हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। सो आज का सेशन जो है हमारा, दैट इज ऑन सी एलिगेंस। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑन सी एलिगेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप नेट में इसे रिगार्डिंग देखते हो। सो आज हम देखेंगे इससे किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड जो मेजरली टॉपिक है इसमें, दैट इज एक्सेस एंड बल्बा फॉर्मेशन। एंड आपके सिलेबस में भी यही मेंशन है। अगर मैं ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करूँ तो स्पेसिफिकली बल्बा फॉर्मेशन जो है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं एंड चांसेस हैं कि आगे भी आ सकते हैं, अपकमिंग एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो बिफोर प्रोसीडिंग, एज यू नो, सिविल स्टाफ की तरफ से आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ टीचिंग एग्जाम लाइक TGT कमीशन, PGT कमीशन या फिर DEET TGT, सो यू कैन अवेल दिस बैचेस। देर इज एन ऐप ऑन प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड दैट एज वेल, या फिर नंबर जो दिया गया है उस पर भी कॉल करके आप कोई भी डिटेल्स जो है वो आप ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, दीज आर सम कोर्स फीचर्स। सो That is our first question. First question है, which of the following best describes the role of LIN3 ligand in C. elegans vulva induction? अब देखो यहाँ पे question जो है वो vulva induction, vulva formation से ही उठ के आया है। तो अब देखो आपको basically क्या होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए about the factors. जो भी factors जो हैं वो role play करते हैं vulva formation में, induction में, जो भी चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक आप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग यू नो योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम वहां से देखें, सो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है कि LIN3 जो एक लिगेंड है उसका रोल क्या है बेसिकली वल्वा इंडक्शन। सो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मेजरली एक बेसिकली फैक्टर है जो कि रोल प्ले करता है। उसी के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन, कौन सा आपको जो है वो करेक्ट लग रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है LIN3 डिस इनहिबिट, ओके, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ EGF रिसेप्टर LET3 प्रिवेंटिंग वल्वर डेवलपमेंट, या फिर LIN3 इज प्रोड्यूस्ड बाय VPCs themselves टू प्रमोट देयर ओन डिविजन्स एंड डिफ्रेंसिएशन इंडिपेंडेंटली ऑफ द गुनार्ड सिग्नल्स। थर्ड स्टेटमेंट है LIN3 acts as an inhibitor of the LET60 RAS protein, indirectly controlling vulval formation by modulating signal transduction. Fourth is LIN3 produced by the gonads binds to the EGF receptor LET23 on VPCs, initiating a signal cascade essential for vulval development. अब देखो अगर हम वल्वर डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे मेजरली एक सेल है, दैट इज एंकर सेल। ठीक है, एक एंकर सेल होता है, वो मेजरली रोल प्ले करता है। और वो कैसे रोल प्ले करता है, दैट आपके पास पहले 11 जो है वो आपके सेल्स होते हैं गुनाड, जो वल्वा की बेसिकली फॉर्मेशन करे। तो 11 सेल्स आपके पास होते हैं, उनमें से 6 जो हैं वो आपके VPCs वल्वर प्रिकर्सर सेल्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए जाते हैं। कौन उनको करता है, उनको करता है एंकर सेल विद द हेल्प ऑफ LIN3। ये सिक्रीट करता है LIN3 विच एक्ट एज अ यू कैन से लिगेंड। ठीक है, लिगेंड मॉर्फोजन की तरह एक्ट करता है। एंड जो भी सेल्स जो है आउट ऑफ 11 या जो है उनमें से आपके 6 जो है वो VPCs स्पेसिफाई हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि LIN3 क्या करता है, LET23 को एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, LIN3 क्या है, एक लिगेंड है जो किसके साथ बाइंड करेगा, जो बाइंड करेगा एक रिसेप्टर के साथ, दैट इज LET23, एंड दैट विल प्रमोट द वल्वा फॉर्मेशन। ठीक है, ये है एक सिग्नलिंग आउटलाइन ऑफ सिग्नलिंग, ये सिग्नलिंग चलती है। अब यहाँ पे बोलते हैं कि LIN3 इनहिबिट करता है, बट वी नो LIN3 इनहिबिट नहीं करता, LIN3 बाइंड करता है LET3 के साथ। सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट इज कि LIN3 जो है वो VPCs प्रोड्यूस करते हैं खुद से, तो खुद से नहीं करते, LIN3 जो है वो एंकर सेल सिक्रीट करता है, VPCs नहीं करते, एंकर सेल सिक्रीट करता है। देन वो क्या करते हैं, उसके बाद जो आउट ऑफ 11 6 VPCs आपके स्पेसिफाई होते हैं, तो VPCs जो हैं वो LIN3 को सिक्रीट नहीं करते। तो दैट स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट। थर्ड इज LIN3 एक्ट एज एन इनहिबिटर ऑफ LET60 RAS प्रोटीन, इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग वल्वल फॉर्मेशन बाय मॉड्यूलेटिंग, बिल्कुल नहीं, वो इनहिबिटर नहीं एक्ट करता, वो प्रमोट करता है बेसिकली, एंड देन इट कॉन्ट्रीब्यूट टू द वल्वल फॉर्मेशन। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। लास्ट इज LIN3 प्रोड्यूस्ड बाय द गोनाड binds to the EGF receptor LET23 on VPCs, बिल्कुल करेक्ट है, LIN3 जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद ये आपके सोमैटिक गोनाडल सेल्स होते हैं, दैट इज एंकर सेल। ठीक है,
अब ये प्रोड्यूस कर रहा है LIN3 फिर किसके साथ बाइंड करेगा? LET23 के साथ, जो रिसेप्टर किसके पास प्रेजेंट होते हैं? बल्बल प्रिकर्सर सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इनिशिएट्स अ सिग्नल फॉर द बल्बल डेवलपमेंट. बिल्कुल करेक्ट है. आगे क्या होने वाला है? बल्बा की फॉर्मेशन होने वाली है. सो ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे वो हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाती है. आई होप आपको रीजन जो है वो समझ आ गया कि कैसे जो है चीजें यहाँ पे वर्क. एंड एक आइडिया भी आपको लग गया होगा कि देखो फैक्टर से मेजरली कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वहां से क्वेश्चन आपका आया है. ठीक है, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज एंकर सेल. एंकर सेल आपका LIN3 सिक्रेट कर रहा है. LIN3 जो है फिर LET23 जो है वो रिसेप्टर है विच इज प्रेजेंट ऑन द VPCs, बल्बल प्रिकर्सर सेल्स, इनके साथ बाइंड कर रहा है. एंड देन सिग्नलिंग कैस्केड जो है वो आपका चल रहा है विच विल अल्टीमेटली लीड टू द बल्बा फॉर्मेशन. सो दैट वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन कि कैसे जो है इसका सॉल्यूशन है. नाउ नेक्स्ट इज एट द टू सेल स्टेज ऑफ C. elegans डेवलपमेंट द ब्लास्टोमियर्स वर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड एंड अलॉट टू प्रोसीड इन डेवलपमेंट. वन ऑफ द ब्लास्टोमियर P1 डेवलप जनरेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स it would normally make, while the other blastomere AB made only a fraction of cell types it would normally make. The following conclusion could be drawn. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जो C. elegans में basically cleavage pattern है, ठीक है, cleavage pattern के ऊपर ये question आया है. तो अब होता क्या है कि egg है, उसके बाद sperm, फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद यहाँ पे क्या बन गया आपका, जाइगोट बन गया, जिसको हम डिनोट करते थे वहां पे P0 से. नाउ अगर हम क्लीवेज की बात करें कि इसमें फर्दर क्लीवेज किस बेसिस पे होगी, किस पैटर्न से होगी, सो P0 जो है वो आपका डिवाइड कर जाता है इनटू P1 एंड AB. ठीक है, क्लीवेज पैटर्न एक जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्लीवेज पैटर्न था. अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी सो यू आर फैमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्लीवेज. ठीक है, नेक्स्ट P1 जो है वो आपका वो किस में डिवाइड हो जाता है, दैट इज EMS एंड P2. नाउ P2 विल डिवाइड इनटू C एंड P3. And P3 will divide into D and P4. Now ये जो आपके P1 to P4 हैं, ये क्या हैं आपके? ये हैं आपके basically germ cell lineage वाले cells. ठीक है? And जो आपके बाकी हैं जैसे AB है, EMS further हो जाएगा MS and S में. ठीक है? ये एक division pattern है जो कि आप C. elegans में देखते हो कि divide जो है zygote कैसे करता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो P1 है, AB है, इसमें जाइगोट पहले आपका डिवाइड करेगा. टू सेल स्टेज ये है, तो टू सेल स्टेज पे ही यहाँ पे बात की गई है कि अगर हमने क्या किया, P1 को यहाँ से हटा दिया, पहले हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दोनों को अलग अलग रखा तो P1 तो नॉर्मली डेवलप करेगा जो वो स्ट्रक्चर बना रहा था. मीन्स अगर वो EMS एंड P2 में डिवाइड हो रहा था इट विल नॉर्मली फॉर्म दिस स्ट्रक्चर. लेकिन अगर AB को भी हमने इससे अलग, दोनों को अलग रखा तो इसने तो नॉर्मली डेवलपमेंट कर दी, लेकिन ये जो है ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेल्स बना पाया जो कि इसको बनाने थे, वो सारे सेल्स जो है ये नहीं बना पाया. सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर दैट, ये आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है. सो ए स्टेटमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ P1 एंड AB वॉज ऑटोनॉमस. क्या ये दोनों ऑटोनॉमस है ना? ऑटोनॉमस और कंडीशनल ये तो आप भूलो ही मत, क्योंकि हर आपके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में स्पेसिफिकेशन आपकी हर टॉपिक में चलने वाली है. ठीक है, कि ऑटोनॉमसली है या फिर कंडीशनली है, दैट्स वाई सबसे पहले जो है हम स्पेसिफिकेशन ही पढ़ते हैं. ठीक है, सो ऑटोनॉमस है एंड कंडीशनल है. नाउ अगर हम ऑटोनॉमस की बात करें, सो ऑटोनॉमस में हमने क्या बोला कि कोई भी सेल है अगर हम उसको उठा के कहीं और रखेंगे तब भी दैट सेल नोज कि मुझे क्या बनाना है. ठीक है, वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो उसको पता है कि मुझे इस सेल में फर्दर डिफरेंशिएट होना है वही वो चीज बनाएगा. सो दैट्स व्हाई हम उसको बोलते हैं वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है. एंड कंडीशनल की हम बात करते हैं, कंडीशनल में आपका क्या सिनेरियो रहता है, दैट अगर कोई भी दो सेल्स है, फॉर एग्जाम्पल 1 and 2, 1 की प्रेजेंस में 2 जो है पर्टिकुलर एक्स टाइप में जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है, अगर हमने इसको अलग कर दिया तो 2 जो है वो एक्स नहीं बना रहा, सपोज करो वाई, स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स जो है बना रहे, विच मींस इसको क्या नीडेड है, इसको नीडेड है 1 की इंटरेक्शन. इसको चाहिए कि मैं जो अराउंड मेरे सेल्स हैं उनके इंटरेक्शन के रिगार्ड में ये रिस्पॉन्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कंडीशनली स्पेसिफाइड. ठीक है, ये ऑटोनॉमसली नहीं है, ये कंडीशनली स्पेसिफाइड है. तो सेम यहाँ पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है, P1 को हम हटाएंगे तो नॉर्मल जो पता था वही बनाएगा, लेकिन AB को अगर हमने अलग से रखा
तो वो कुछ ही सेल्स बना पा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं P1 इज ऑटोनॉमस एंड AB इज कंडीशनल, निकाल सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस। ठीक है, जो हमने अभी देखा सॉल्यूशन उसके रिगार्ड्स में हम बोल सकते हैं दैट P1 जो है दैट इज बेसिकली नो, दोनों नहीं है, P1 ऑटोनॉमस है, AB कंडीशनल है, करेक्ट है। सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट डी देख लेते हैं, बोथ एसिमेट्रिक डिवीजन एंड सेल सेल इंटरेक्शन स्पेसिफाई सेल फेट इन अर्ली डेवलपमेंट, बिल्कुल करेक्ट है कि अर्ली डेवलपमेंट में अगर हमें सेल फेट को स्पेसिफाई करना है तो हम स्पेसिफाई बेसिकली कौन कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहे हैं जो भी एसिमेट्रिक सेल डिवीजन है, डिवाइड करने सेल एसिमेट्रिकली, साथ ही साथ जो सेल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट करके फिर उनका क्या स्पेसिफाई हो रहा है, सेल फेट बेसिकली स्पेसिफाई हो रहा है। ठीक है, सो आपकी सी एंड डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4। राइट, ऑप्शन 4 जो है यहां से आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट इज इन सी एलिगेंस द सिग्नलिंग पाथवेज दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हर्माफ्रोडाइट वल्वा इंड्यूसेस 3 जीन्स LET60, LET45 एंड MAC2। In wild type animal, a signal from nearby cell activates the LET60 protein in particular cells destined to produce the vulva. The activation of LET60 results in the activation of LET45, which results in the activation of MAC2. अब देखो यहाँ पे एक signaling का पूरा के पूरा बोल सकते हो mechanism दिया है। सिग्नलिंग मैकेनिज्म मतलब सिग्नलिंग कैसे चलती है, पहले क्या एक्टिवेट हुआ, उसने किसको एक्टिवेट किया। नाउ यहाँ पे मेंशन है LET60 ने एक्टिवेट हुआ, उसने फर्दर किसको एक्टिवेट किया, LET45 को एक्टिवेट किया, एंड LET45 ने फर्दर किसको एक्टिवेट किया, दैट इज MAC2, एंड MAC2 ने फर्दर क्या किया, वल्वा फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे ये सिग्नलिंग जो है ये आपकी बताई गई है कि सिग्नलिंग ऐसे आपकी चल रही है। ठीक है, दैट वॉज वॉट मैंशन। तो देखो ऐसा अगर आपके पास लेंथी क्वेश्चन आता है ना तो आप क्या कर सकते हो, आप पहले सिंप्लीफाई करके ना अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि दैट इज व्हाट मेंशन इन द क्वेश्चन। सो आपको बार बार रीड करना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन दी है, एक बार रीड करो, डिकोड करके साइड में सिंप्लीफाई कर लो। अब देखो इतनी सारी लाइन्स की इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ और सिर्फ इतने से चीज में लिख दी कि ये चीज जो है ये बोली गई है। सो यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक दिस। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, That activation ये है MAC2 हो गया, which eventually leads to the formation of vulva. यहां तक information इतनी है। उसके बाद क्या है, in a MAC2 loss of function. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, that जो ये MAC2 है इसमें loss of function हो रहा है। अब mutations अगर आपने पढ़ी होंगी, mutations आपको पता है loss of function भी हो सकता है, gain of function भी हो सकता है। loss of function मतलब अगर वो normal जो role play कर रहा है वो नहीं रहेगा तो उसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। गेन ऑफ फंक्शन मतलब ओवर एक्सप्रेशन किसी भी चीज का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन से क्या कर लिया है, गेन कर लिया है फंक्शनिंग में। राइट, सो नाउ यहाँ पे बोला कि MAC2 में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है। अगर देखो MAC2 में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, MAC2 रिजल्ट अपना जो भी परफॉर्म कर रहा है फंक्शन नहीं करेगा, अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलने वाला है, दैट देयर विल बी नो वल्वा डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली यही था जो कि वल्वा डेवलपमेंट को फर्दर प्रमोट कर रहा था। इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, ये आगे वल्वा को प्रमोट नहीं करेगा, फॉर्मेशन जो है वल्वा की नहीं होगी। सो दैट वाज द कंक्लूजन, यही पे यही लिखा गया है, देन नो वल्वा इज फॉर्म्ड, मतलब वल्वा लेस जो है वो आपको फिनोटाइप देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आपको बोला है इन LET60 गेन ऑफ फंक्शन, अगर इसमें जो है वो क्या हो जाता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाती है। अब यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट विल कि LET60 प्रोटीन हमेशा ही एक्टिव रहेगी। कब एक्टिव रहेगी, जब वल्वा बनाना भी नहीं है, सिग्नल भी नहीं है, तब भी एक्टिव रहेगी, तब भी आपको वल्वा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। वाई, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन हो चुका है। ठीक है, फंक्शन जो नॉर्मल कंडीशन में वर्क कैसे करता था, कि सिग्नल मिला तब जाके वल्वा बनेगा। अब क्या है, अब फंक्शनिंग में गेन है, नाउ देयर इज नो नीड ऑफ अ सिग्नल, सिग्नल चाहिए नहीं, अदरवाइज भी वल्वा की फॉर्मेशन जो है वो करेगा। सो दैट इज द गेन ऑफ फंक्शन। अब यही मेंशन्ड है कि दैट विल मेक द वल्वा। नाउ बोला क्या क्या है कि अब क्या होगा, मतलब मल्टी वल्वा की कंडीशन बनेगी अल्टीमेटली। ठीक है, पहले एक बन रहा था, नाउ मल्टी वल्वा। तो दो कंडीशंस आपने देखी कि अगर आपका MAC2 में डेफिशिएंट हो रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है, सो नो वल्वा, LET60 में गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है तो मल्टी वल्वा। ठीक है, ये दो आपका अभी तक का गिवन था कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। नाउ पूछा क्या गया है कि अगर
लेट 60 में गेन ऑफ फंक्शन और मैक 2 में लॉस ऑफ फंक्शन डबल म्यूटेंट साथ में ही हो जाए तब आपको क्या फिनोटाइप देखने को मिलेगा। सपोज करो इसने तो गेन ऑफ फंक्शन किया है लेकिन इसका लॉस ऑफ फंक्शन है तो आपको क्या देखने को मिलेगा। अब देखो गेन ऑफ फंक्शन ठीक है, सिर्फ फंक्शनिंग गेन कर ली, दैट इज बाय लेट 60। लेट 60 ने 45 को भी एक्टिवेट कर दिया। अल्टीमेटली अगर नॉर्मल मैक 2 होता तो आपको मल्टी बल्बा देखने को मिलता, बहुत सारे बल्बा देखने को मिलते, लेकिन अब यहाँ पे मैक 2 जो है उसकी लॉस ऑफ फंक्शन है। कितना भी ये एक्टिवेट हो जाए अल्टीमेटली ये जो है ये फंक्शनिंग ही परफॉर्म नहीं करेगा। जब फंक्शनिंग ही परफॉर्म नहीं करेगा अल्टीमेटली आपको कोई भी बल्बा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये ओवर रूल कर देगा लेट 40 के इफेक्ट को, लेट 60 के इफेक्ट को, सॉरी, ठीक है, मैक 2 जो है और लेट 60 के इफेक्ट को ओवर रूल कर देगा एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट आपको बल्बा जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। सो फिनोटाइप जो है दैट विल बी बल्बा लेस। ऑप्शन बी जो है वो आपके यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाती है। आई होप क्लियर है। ओके, ऑप्शन बी कैसे हुआ? क्योंकि जो इस मैक 2 था इसने ओवर रूल कर दिया किसको, इसको, अदरवाइज यहां से क्या होता मल्टी बल्बा, यहां से बल्बा लेस। अब दोनों में से एक फिनोटाइप कैसे आएगा क्योंकि ये तो चलो हाइपर एक्टिव है, ओवर हो गया है गेन ऑफ फंक्शन, एट लास्ट कहां से बल्बा बनना है, बल्बा बनना है मैक 2 से, उसी में लॉस ऑफ फंक्शन है तो बल्बा की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होने वाली। सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन, ये भी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इन सी एलिगेंस द SKN1 प्रोटीन कंट्रोल्स द फेट ऑफ EMS elastomer व्हिच जनरेट्स द पोस्टीरियर फेरिंग्स विद रेफरेंस टू अबव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब यहां पे है, जैसे ही आप क्लीवेज पैटर्न देखते हो ना वहां पे आप क्या देखते हो, जैसे ये P1 बना एंड AB बना, ये कहां से बने थे, ये बने थे आपके P0 से। नाउ P1 जो था वो आपका P2 में था एंड EMS में था, EMS फर्दर किस में डिवाइड हो रहा था, दैट इज MS एंड E, और इस फेट को EMS के फेट को एक आप बोल सकते हो फैक्टर था दैट वाज कंट्रोलिंग, दैट वाज SKN1 स्किन एक्सेस जीन। ठीक है, अब बोला गया है कि अगर यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यू हैव टू पिक द राइट वन। फर्स्ट स्टेटमेंट है द MS ब्लास्टोमियर इज एबल टू जनरेट फेरेंजियल टिश्यू इवन इन आइसोलेशन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो पिक करनी है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, ये आपके फेरिंग्स बनाते हैं, बेसिकली फेरेंजियल टिश्यूज बनाते हैं, ओके। सो अगर मैं EMS की ही बात करूं यहां से तो क्या होगा, MS एंड E, एंड इसको कंट्रोल कौन करता है, SKN1। तो ये क्या बनाते हैं, एंड यहां से क्या बनता है आपका, बेसिकली एंडोडर्म इंटेस्टाइन जो गट रीजन है वो ई बनाता है। नाउ बोला गया है कि अगर MS को हम आइसोलेशन में रखें, मतलब इसके अलग भी रखें, तब भी ये क्या करेगा, फेरिंजियल टिश्यू बनाएगा, दैट इज करेक्ट। ये देखा गया है कि वो ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है, उसको उठा के हम अलग भी रख देंगे तब भी आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल सी दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फेरिंजियल टिश्यू इवन इन आइसोलेशन। बी स्टेटमेंट इज एम्ब्रियो फ्रॉम स्किन एक्सेस डेफिशियंट मदर्स लैक बोथ फेरिंजियल मेसोडर्म एंड एंडोडर्म डेरिवेटिव्स ऑफ EMS। करेगा क्यों, क्योंकि EMS के फेट को ये कंट्रोल कर रहा है। अगर SKN1 में जो है वो डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी मदर में तो क्या बनेगा, ना ही फेरिंजियल टिश्यू बनेंगे ना ही एंडोडर्मल डेरिवेटिव्स बनेंगे, कुछ भी नहीं बनेगा। सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, हमें इनकरेक्ट फाइंड करनी है। नाउ सी की बात करें, एम्ब्रियोज विच आर SKN1 नल म्यूटेंट्स, ठीक है, विल ऑलवेज मेक एक्स्ट्रा हाइपोडर्मल स्किन एंड बॉडी वॉल टिश्यू। लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो क्या बनाते हैं, वो बेसिकली फेरिंजियल टिश्यू बनाते हैं, तो वो ऐसा ये नहीं है कि वो ऑलवेज दे विल ऑलवेज मेक द हाइपोडर्मल एक्स्ट्रा स्किन वो बनाएंगे, और कौन से, नल म्यूटेंट्स। सो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है। डी इज SKN1 एक्टिवेट्स मेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हूज लेवल ऑफ एक्टिविटी कंट्रोल द फेट ऑफ EMS लिनेज, बिल्कुल करेक्ट है। SKN1 फिर जो है मेट 1-2 उनको जो है एक्टिवेट करता है, सिग्नलिंग जो है वो ऐसे चलती है। सो हमें इनकरेक्ट चूज करना था, ऑप्शन सी जो है दैट इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो हियर इज एन एक्सप्लेनेशन कि SKN1 जो है
वो रेगुलेट नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मस, ठीक है। इंस्टेड वो क्या करता है, जो फेरिंग्स है उसको बेसिकली जो है वो रेगुलेट करता है। सो यही पूछा था कि वो एक्स्ट्रा बनाएगा, सो दैट वॉज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द ग्रुप ऑफ सिक्स सेल्स P3 to P8 कॉल्ड वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, जिनको हम VPCs भी बोलते हैं, ऑफ सी एलिगेंस, दे फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड एज एविडेंस दैट VPCs फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। सो कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं रिगार्डिंग द VPCs, जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स हैं उनके बेसिस पे, उनके रिगार्ड्स पे कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, ठीक है। एंड एज वी नो, हमने बोला था कि टोटल 11 सेल्स में से जो आपके 6 हैं, दैट इज P3 to P8, ये आपके VPCs जो है ये स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। ये आपके बनाते हैं वल्वल प्रिकर्सर सेल्स। नाउ कुछ स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ए है, इफ एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड द VPCs कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यूज। अब यहाँ पे हमने बोला कि अगर हम एंकर सेल को, अब देखो अगर मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दे दूँ ना कि वल्वा फॉर्मेशन बेसिकली होती कैसे है। सो यहाँ पे एंकर सेल है, एंकर सेल क्या करता है, लिन थ्री के सिक्रीशन करता है, विच एक्ट एज अ लिगेंड। अब हमने बोला कितने हैं, P3, P4, P5, P6, P7 and P8, ये हैं आपके 6 VPCs from P3 to P4, ये स्पेसिफाई होते हैं। नाउ अब होता क्या है यहां पे फर्दर, ऐसे जो है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। अब ये जो है ये आपका प्राइमरी या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल सेल में स्पेसिफाई हो जाता है, ये जो है आपके सेकेंडरी या फिर आप बोल सकते हो लेटरल सेल्स, लेटरल वल्वल प्रिकर्सर सेल्स यू विल से, ठीक है। ये भी सेकेंडरी एंड लेटरल, ठीक है। तो ये तीनों क्या बनाएंगे, ये तीनों जो है ये बनाएंगे आपका वल्वा, ठीक है। वल्वा में भी प्राइमरी जो सेल है जो कि फॉर्मेशन में हेल्प है, दैट इज P6, एंड जो सेकेंडरी है दैट मीन दैट आर द P5 एंड P7। नाउ अगर हम बात करें P3, P4 एंड P8 की, ये क्या बनाते हैं, ये हाइपोडर्मिस बनाते हैं। मतलब हाइपोडर्मिस क्या है, वो जनरल फेट है कि वो फेट होगा ही होगा, कुछ भी नहीं बनेगा तो हाइपोडर्मिस जो है वो बनने ही वाली है, दैट इज फॉर श्योर। ये है एक फेट, ठीक है। ये है बेसिकली कि कैसे जो है वो डेवलपमेंट चलती है। नाउ यहाँ पे अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, यहाँ से एंकर सेल को क्या कर दिया हमने, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको क्या रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। सो बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल टिश्यूज, जितने भी VPCs हैं वो हाइपोडर्मल टिश्यू बना लेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, ये बोला हमने कि वो उनका डिफॉल्ट फेट है, कुछ भी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हाइपोडर्मिस बनेगा। सो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ इफ थ्री सेंट्रल सेल्स, अब देखो यहाँ पे P6 क्यों प्राइमरी बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लिन थ्री है ना, ये सिक्रीट किया जा रहा है फ्रॉम द एंकर सेल विच इज एक्टिंग एज अ लिगेंड। तो ये क्या करता है, ये आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाता है, इट इज एक्टिंग लाइक अ मॉर्फोजन। अब जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो प्राइमरी फेट ले लेगा, जिसको कम मिलेगा वो सेकेंडरी फेट ले लेंगे। एंड अगर मैं बात करूँ P3, P4, P6 की, इनको पहुंचता ही नहीं है लिन थ्री, दैट्स वाई ये क्या बनाते हैं, ये हाइपोडर्मिस बनाते हैं, ठीक है। नाउ बोला क्या गया है कि अगर तीन सेंट्रल सेल्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें तो जो रिमेनिंग सेल्स हैं दे कैन जनरेट वल्वल सेल्स, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे है वो फेट ले लेंगे इनका, इनमें से P4 बनेगा प्राइमरी, P3, P8 बनेंगे सेकेंडरी, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ सी इज इफ एक्सप्रेशन ऑफ लिन थ्री इज इंक्रीज, अगर हमने क्या किया, अगर लिन थ्री का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर दिया। अब देखो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ एक सेल को सबसे ज्यादा मिल रहा था, वो सेंट्रल बन गया, इनको थोड़ा कम तो ये सेकेंडरी बन गए, बाकी तीन को मिल ही नहीं रहा था। अब हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो मतलब अब ये जो तीन थे इनको सबसे ज्यादा मिलेगा और बाकी जो तीन थे उनको थोड़ा थोड़ा जो है वो मिल जाएगा। सो यही बोला गया है
कि अगर हम इंक्रीज करते हैं बीपीसी का एक्सप्रेशन तो जो सेकेंडरी लीनियज वाले सेल्स हैं वो प्राइमरी लीनियज के सेल्स बनाएंगे। बिल्कुल करेक्ट है कि जो सेकेंडरी फेट बना रहे थे वो भी आपका प्राइमरी सेल्स बना लेंगे एंड जो रेस्ट वाले हैं वो आपका सेकेंडरी फेट जो है वो ले लेंगे। सो दैट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज एक्टोपिक एक्सप्रेशन ऑफ लेट 23 इन P5, P7 BPCs convert them to primary cell lineage। अब बोला गया है कि जो P7 P5 है, सॉरी P5 एंड P7, ओके P5, P7, यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमने लेट 23 का एक्सप्रेशन इनमें करवा दिया। अब वी नो लिन जो 3 था, लिन 3 वो किससे बाइंड करा था, वो बाइंड करा था लेट 23 के साथ जो कि एज अ रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जितने भी आपके बीपीसीज हैं। मतलब सबके पास क्या होगा, लेट 23 प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिसके साथ लिन 3 जो है वो बाइंड करेगा। सो इन्होंने बोला है कि लेट 23 का हम एक्टोपिक एक्सप्रेशन करवा रहे हैं, इंक्रीज करवा रहे हैं एक्सप्रेशन, तो लगता है कुछ चेंज होने वाला है। कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट फैक्टर तो लिन 3 है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तब फेट चेंज होगा, अदरवाइज फेट जो है वो चेंज नहीं होने वाला। दिस इज इनकरेक्ट, दैट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नाउ स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, दैट इज ए बी एंड सी, ऑप्शन 3। ठीक है, यहां से ऑप्शन 3 जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग वल्वल डेवलपमेंट इन सीएलएनएस। अब देखो वल्वल डेवलपमेंट से बहुत ही सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिले हैं, तो कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं रिगार्डिंग द वल्वल डेवलपमेंट, यू हैव टू पिक द राइट वन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है द 6 वल्वल प्रीकर्सर सेल्स बीपीसीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एंकर सेल टू फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। कि जो 6 वल्वल प्रीकर्सर सेल्स हैं उनको कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंकर सेल इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो इक्विवेलेंस ग्रुप बनाए। बिल्कुल करेक्ट है, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम अब यहाँ से देखो, दो ऑप्शन तो आपकी वैसे ही एलिमिनेट हो गई, ए में है ही नहीं, है ना। एंड अगर हम एक और चीज देखें, डी कॉमन है, मींस डी स्टेटमेंट भी ट्रू होने वाली है, ई है ही नहीं तो ई को हम इग्नोर कर सकते हैं। सो हमें बी और सी ही देखना है। तो अगर आपने एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। नाउ बी स्टेटमेंट को हम देखें, इन द लॉस ऑफ फंक्शन इन लिन 12 म्यूटेंट्स। अब एंकर सेल फॉर्मेशन आप जब आप देखते हो ना, तो आप देखते हो दो सेल्स होते हैं, दैट इज Z1 PPP एंड Z4 AAA। यस, ये दो सेल्स थे, ठीक है। अब इनमें क्या है, एक सेल आपका लिन 12 जो है वो सिक्रीट करता है प्लस, और एक जो है लिन 12 सिक्रीट नहीं करता। जो नहीं करता वो सिक्रीट करता है LAG2, और जो ये लिन 12 सिक्रीट कर रहा है उसमें LAG2 जो है वो एब्सेंट होता है। ये सिनेरियो है, ठीक है। ये दो फैक्टर्स हैं, जिसमें लिन 12 प्रेजेंट होगा उसमें LAG2 एब्सेंट होगा, जिसमें LAG2 प्रेजेंट होगा उसमें लिन 12 जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। नाउ जिसमें LAG2 प्रेजेंट होता है ना, वो यूट्राइन, सॉरी वो आपका एंकर सेल बन जाता है, जिसमें लिन 12 प्रेजेंट होता है वो आपका यूट्राइन टिश्यू बन जाता है, ये फेट है। अब सी स्टेटमेंट क्या बोलती है, कि लॉस ऑफ फंक्शन हो गया लिन 12 का, लिन 12 जो है यहाँ भी प्रेजेंट नहीं है। अब जब प्रेजेंट नहीं है तो इसे यूट्राइन टिश्यू बनना था, लेकिन अब ये क्या बना देगा, ये एंकर सेल बना देगा। सो बोला गया है बोथ सेल्स विल बिकम यूट्राइन, वेयर एज गेन ऑफ फंक्शन हो जाए तो दोनों एंकर सेल बन जाएंगे। दैट इज नॉट ट्रू। व्हाई नॉट ट्रू, उल्टा बोल दिया है। अब देखो लॉस ऑफ फंक्शन में दोनों को एंकर सेल बनना चाहिए, गेन ऑफ फंक्शन में दोनों को यूट्राइन टिश्यू बनना चाहिए। उल्टा स्टेटमेंट जो है ये आपके सामने यहाँ पे रखा है, सो दैट्स व्हाई दैट इज इनकरेक्ट। अब देखो बी भी इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन हमारी ए सी डी ऐसे ही आंसर आ गया, लेकिन बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्यों ये इनकरेक्ट है। सी इज इफ द एंकर सेल इज डिस्ट्रॉयड अर्ली इन डेवलपमेंट, ऑल 6 बीपीसीज डिवाइड वंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स। बिल्कुल करेक्ट है, अगर हम यहाँ पे एंकर सेल है मेजरली जो गवर्न कर रहा है और रूल कर रहा है उसी को हम निकाल दें तो ऑटोमेटिकली जो डिफॉल्ट फेट है दैट इज हाइपोडर्मल स्किन वही वो लेने वाले हैं, ठीक है। अल्टीमेटली वही आपको देखने को मिलेगा। सो सी इज करेक्ट। डी है द एंकर सेल वेंट्रल यूटराइन प्रिकर्सर डिसीजन इज ड्यू टू नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे डेल्टा नॉच वाला पाथवे चलता है, यहाँ पे लेटरल इनहिबिशन
का फिनोमिना भी आपको देखने को मिलता है. मींस एक सेल ने अगर लिन 12 सिक्रेट कर दिया, दूसरे को इनहिबिट करेगा कि मैंने कर दिया है अब तू मत कर. ठीक है, सेम गोज विद लैग 2. जिसने लैग 2 कर दिया दूसरे को इनहिबिट करेगा कि अब जो है वो लैग 2 की नीड नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. नाउ ई की बात करें, द पैराक्राइन फैक्टर सिक्रेटेड बाय एंकर सेल डायरेक्टली एक्टिवेट्स द नॉच डेल्टा पाथवे. लेकिन हमने देखा ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होता. सो दैट इज नॉट करेक्ट. करेक्ट कौन सी है? ए सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 1. ऑप्शन 1. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस द एंकर सेल प्रोड्यूसेस लिन 3 प्रोटीन व्हिच इंटरैक्ट्स विद लेट 23 प्रोटीन प्रेजेंट ऑन सेक्स वल्वल प्रीकर्सर सेल्स. ठीक है, लिन 3 जो थी उसकी प्रोडक्शन हुई और उसने इंटरैक्ट किसके साथ किया? लेट 23 के साथ, जो कि एज अ रिसेप्टर एक्ट कर रही थी ऑन द वीपीसीज. ठीक है, ये एक्ट करेगी लेट 23 जो कि कहां पे प्रेजेंट है? सभी 6 के 6 वीपीसीज के पास है. नाउ क्या बोला गया है? दैट इंटरैक्ट्स विद दिस. ठीक है, कहां थे हम? ओके, दैट विल फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप. ओके, डन. नेक्स्ट इज द सेंट्रल लीनिएज P6 अडॉप्ट प्राइमरी फेट. बिल्कुल P6 प्राइमरी फेट लेगा. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लिन 3 जो है उसी को मिलेगा. द एडजेसेंट बीपीसीज जो P5 P7 थे वो आपके कौन सा फेट लेते हैं? सेकेंडरी लेते हैं. एंड रेस्ट बीपीटीज जो थे वो टर्शरी फेट, वो हाइपोडर्मिस बनाते हैं. तो उसके रिगार्डिंग आपके पास कॉलम A कॉलम B में कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन है. यू हैव टू मैच द करेक्ट वन. कौन किसके साथ मैच कर रहा है? सो कॉलम A में बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए लिन 3 में. अगर लिन 3 में लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बेसिकली कि जितने भी आपके वीपीसीज हैं वो सारा लॉस ऑफ फंक्शन है. लिन 3 नहीं पहुंच रहा तो अल्टीमेटली वल्वा फॉर्मेशन नहीं होने वाली. नहीं होने वाली, डिफॉल्ट फेट क्या है? दैट इज हाइपोडर्मिस. तो जितने भी वीपीसीज हैं दे विल अडॉप्ट द टर्शरी फेट, दैट इज हाइपोडर्मिस. सो हम ए को 4th के साथ अभी मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो गई. 1 और 2 में से हमें पिक करना है. नाउ अगर हम बी की बात करें, लॉस ऑफ फंक्शन हो रहा है लिन 3 में एंड गेन ऑफ फंक्शन हो रहा है लेट 23 में. अब क्या होगा कि लॉस ऑफ फंक्शन किसमें हो गया? लिन 3. इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो गया लेकिन लेट 23 में गेन ऑफ फंक्शन है. तब आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसको अभी हम होल्ड पे रखें. नेक्स्ट इज, क्योंकि ये वाले हम पहले कर लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. सी और डी को हम देख लेते हैं. रिड्यूस टर्शरी फेट फंक्शन ऑफ लिन 3. हमने क्या कर दिया? जो सॉरी, अडॉप्ट टर्शरी फेट आपका यहां पे आएगा, राइट हियर. ठीक है, टर्शरी फेट. सो रिड्यूस फंक्शन, अगर लिन 3 का रिड्यूस फंक्शन है मींस पहले आपका जो P6 है, P7 है एंड P5 तीनों को पहुंच रहा था, इसको सबसे ज्यादा, इनको कम. अब हमने और भी कम कर दिया, विच मीन्स एक को ही पहुंचेगा. दो जो है ये P5 P7 इनको जो है ये नहीं पहुंचने वाला. मीन्स अब क्या होगा? जो आपके P6 है वही प्राइमरी फेट लेगा एंड जो रेस्ट बीपीसीज हैं वो सारे के सारे टर्शरी फेट ले लेंगे. ठीक है, सो सी को हम 3 के साथ जो है वो मैच कर सकते हैं. A4 है. नाउ डी की बात करें, ओवर एक्सप्रेशन लिन 3 का. लिन 3 का ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है, सारे के सारे आपके जो P3 से P8 तक आपके सबको लिन 3 मिल रहा है. मींस बहुत सारे वल्वा आपको देखने को मिलेंगे. मल्टी वल्वा कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो मल्टी वल्वा कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी जब ओवर एक्सप्रेशन हो रहा है किसका? दैट इज ऑफ लिन 3. नाउ अगर हम बात करें, बेसिकली नॉट मल्टी वल्वा, आप बोल सकते हो जब लिन 3 ओवर एक्सप्रेशन तो ये सब प्राइमरी फेट ले लेंगे एंड ये जो है ये टर्शरी फेट. माय बैड, यहां पे क्या होगा? अब देखो बोला क्या गया है, कंफ्यूज नहीं होना. बोला क्या है? लिन 3 का जो फेट एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया. इंक्रीज कर दिया तो पहले क्या था? P6 को सबसे ज्यादा था, P5 P7 को जो था वो कम था, एंड यहाँ पे P3 P4 एंड P8 इनको जरा भी नहीं था. ठीक है, तो अब हमने बोला इसको इंक्रीज कर दिया. जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? अब ये पहले प्राइमरी बना रहा था, ये सेकेंडरी बना रहे थे एंड ये आपके टर्शरी बना रहे थे. नाउ व्हाट वी विल सी, ये तीनों जो है ये प्राइमरी बनाएंगे क्योंकि इंक्रीज है, तीनों को बहुत ज्यादा मिलेगा एंड जो आपके सेकेंडरी वाले थे वो आपका
सॉरी टर्शरी वाले थे वो सेकेंडरी फेट ले लेंगे, मतलब जो आपके प्राइमरी था वो प्राइमरी बनाएगा, सेकेंडरी थे वो भी प्राइमरी फेट ले लेंगे, एंड जो आपके टर्शरी थे वो सेकेंडरी फेट ले लेंगे, क्योंकि उनको भी अबलिन 3 जो है वो मिलने वाला है। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन होता है, सो P5 P7 ये प्राइमरी फेट ले लेंगे, P4 P8 जो है वो सेकेंडरी फेट ले लेंगे, सो डी विल गो विद 1। ठीक है, बी को देखते हैं। अब बी को देखो, बी में बोला गया है लॉस ऑफ फंक्शन हो गया लिन 3 में, लिन 3 में लॉस ऑफ फंक्शन है यहां पे, लेकिन जो आपका रिसेप्टर है उसमें गेन ऑफ फंक्शन हो गया, वो एक्टिव है, वो एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, फर्दर जो आपके वल्वास हैं उनकी फॉर्मेशन होती रहेगी, वल्वा की फॉर्मेशन होती रहेगी, तो मतलब एक वल्वा नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे मल्टी वल्वा कंडीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि रिसेप्टर आपका गेन ऑफ फंक्शन हो चुका है, उसमें हाइपर एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वहां पे आपको मल्टी वल्वल कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे आप देखो बी विल गो विद 2, सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वल्वा इन सी एलिगेंस इज इनिशिएटेड बाय इंडक्शन ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स बाय शॉर्ट रेंज सिग्नल्स फ्रॉम सिग्नल इंड्यूसिंग सेल विथ रेफरेंस टू दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर पुट फॉरवर्ड। When anchor cell was ablated early in development, no vulva formed. Correct है कि अगर anchor cell को हम पहले ही remove कर देंगे कोई भी vulva नहीं बनेगा, बिल्कुल correct है। Second है in a dominant negative mutant of LET23 primary vulva formed but secondary vulva formation did not take place. अब यहाँ पे बोला है कि किसका mutant है, LET23 का dominant negative mutant, तो क्या primary बनेगा, प्राइमरी वल्वा अगर 23 LET23 में ही आपका क्या है म्यूटेशन है तो वल्वा कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, सो दैट इज नॉट ट्रू। थर्ड है आपका दैट इज अ सेल अडॉप्टिंग अ प्राइमरी फेट इनहिबिट्स एडजेसेंट सेल फ्रॉम अडॉप्टिंग द सेम फेट बाय लेटरल इनहिबिशन इन्वॉल्विंग LIN39 एंड ऑल्सो इंड्यूसेस द सेकेंडरी फेट इन दिस सेल्स। पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, सिर्फ एक फैक्टर का यहाँ पे इनकरेक्शन है, LIN39 नहीं होता, वो LIN12 होता है। ठीक है, LIN12 जो है वो इन्वॉल्व होता है लेटरल इनहिबिशन में, सो बाकी स्टेटमेंट ये करेक्ट है। नाउ डी इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव सिग्नल फ्रॉम हाइपोडर्मिस इनहिबिट्स द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेट्स। ठीक है, कि पहले क्या है आपका जो डिफॉल्ट फेट है दैट इज हाइपोडर्मिस, मतलब वो इनहिबिट करती है, लेकिन फिर क्या होता है आपके पास कि जो आपका इनिशियल जो एंकर सेल से सिग्नल आता है वो क्या कर देती है, इस फेट को ओवर रूल कर देता है, ओवर रूल करेगा, तभी तो आपके पास जो 3 VPCs है वो वल्वा बनाएंगे, बाकी हाइपोडर्मिस बनाएंगे, तो ओवर रूल जो है वो होता है, वो देखा जाता है। सो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड डी। ठीक है, ऑप्शन 3। आई होप क्लियर है ये दोनों क्यों इनकरेक्ट है आपकी। नेक्स्ट इज इन सी एलिगेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस एंड एंकर सेल एंड 6 हाइपोडर्मल वल्वल प्रीकर्सर सेल्स गेट इन्वॉल्व्ड इन वल्वल फॉर्मेशन इन इफ 3 ऑफ द हाइपोडर्मल वीपीसीज आर किल्ड बाय लेजर बीम नॉर्मल वल्वा इज स्टिल फॉर्म। ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू द 6 क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ए इज 6 हाइपोडर्मल वीपीसीज फॉर्म इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल्स आउट ऑफ विच 3 पार्टिसिपेट इन वल्वा फॉर्मेशन एंड 3 रिमेन एज रिजर्व सेल्स। When 3 hypodermal VPCs are killed, the 3 neighboring hypodermal non-VPCs get freshly recruited. या फिर anchor cell formation functions as an inducer which can induce epithelial cells of the gonad to gel recruited to compensate for the loss. या फिर D, anchor cell act as an inducer which can specially induce only 3 hypodermal cells to form the vulva. So, आपकी स्टेटमेंट 4th जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 6 हाइपोडर्मल वीपीसीज जो हैं सबके पास पोटेंशियल होता है कि सब जो है वल्वा बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमने 3 को डिस्ट्रॉय कर दिया तो अदर 3 जो है वो वल्वल फेट ले लेते हैं। ठीक है, सो दैट इज ट्रू, सबके पास प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो बी में क्या बोला गया है कि 3 को हम डिस्ट्रॉय कर दें वीपीसीज को, तो 3 जो नॉन वीपीसीज हैं, नॉन तो है ही नहीं, 6 के 6 कैसे हैं आपके वीपीसीज हैं, सो दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Why C is incorrect? क्योंकि अगर हम बात करते हैं एंकर सेल तो वो एपिथेलियल सेल्स को इंड्यूस करता है गोनाड्स को कंपेंसेट करे, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो C is incorrect, D is correct, वो क्या करता है 3 हाइपोडर्मल सेल्स हैं उनको इंड्यूस कर सकता है कि वल्वा की फॉर्मेशन की जाए। सो A एंड D यहाँ पे आएगा, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ओके, the two cell type anchor cell and bulbal precursor cells are involved in vulva formation in C. elegans.
नेक्स्ट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग दिस. सो यहाँ पे बोला गया है एंकर सेल इज अ जर्म सेल फ्रॉम गोनाड विच सेंड्स इंडक्शन सिग्नल टू वल्वा फॉर मेंटेनिंग डिफरेंशिएशन स्टेट्स. पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, एक वर्ड जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है. इट इज नॉट अ जर्म सेल, इट इज अ सोमेटिक सेल. ठीक है, जर्म सेल नहीं होता, एंकर सेल सोमेटिक सेल है, दैट्स व्हाई इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट सिक्स है, सॉरी बी है, द सिक्स वल्वल प्रीकर्सर सेल्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप. बिल्कुल ठीक है, सिक्स के सिक्स इक्विवेलेंस ग्रुप फॉर्म करते हैं. सी इज द सेल डायरेक्टली बीनीथ द एंकर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म सेंट्रल वल्वल सेल्स व्हाइल टू फ्लैंकिंग सेल्स डिवाइड टू बिकम लेटरल. बिल्कुल ठीक है, सेंट्रल P6 है, बिल्कुल नीचे है वो बनेंगे, एंड P5 एंड P7 जो है वो आपके लेटरल बनेंगे. सो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज द थ्री सेल्स फर्दर अवे फ्रॉम एंकर सेल जनरेट हाइपोडर्मल सेल्स. बिल्कुल ठीक है, जो बिल्कुल दूर है वो हाइपोडर्मल सेल्स बना रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट LIN3 सिग्नल फ्रॉम एंकर सेल्स फॉर्म अ ग्रेडियंट एंड एक्टिवेट्स वल्वा फॉर्मिंग जीन्स इन सेंट्रल एंड लेटरल सेल्स. हाँ जी, एंकर सेल क्या सिक्रीट कर रहा था? LIN3 सिक्रीट कर रहा था, जो कि ग्रेडियंट की फॉर्मेशन करके वल्वा की फॉर्मेशन जो है वो कर रहे थे, दैट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट डी एफ स्टेटमेंट है, द नॉच डेल्टा मीडिएटेड मैकेनिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग एडजेसेंट सेल फेट इज कॉल्ड लेटरल इनहिबिशन. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, तो ऑप्शन ओनली आपकी ए गलत है, बाकी बी सी डी ई एफ आपकी करेक्ट है. तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नो 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 बी सी डी ई एफ ऑप्शन फोर जो है वो आपकी यहाँ से ऑप्शन हो जाती है. ठीक है, ऑप्शन फोर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट सी एलिगेंस. आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा. आप यहां से देख सकते हो वल्वा इंडक्शन से कितने सारे क्वेश्चंस हैं, एंड वल्वा इंडक्शन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है, एक बार आपको समझ आ गया, देन उसमें थोड़े से जीन्स हैं, थोड़े से फैक्टर्स हैं, उनका रोल एंड रेगुलेशन आपको देखना है कि क्या मेजरली जो है कहाँ पे इन्वॉल्व है. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.